हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजा टॉप डॉग। दोस्तों, जीप इंडिया अपनी मिड साइज एसयूवी कंपास की भारी सफलता के बाद एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है। जी हां दोस्तों, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स के साथ। और ये एक पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी जिसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। जहां तक कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसका सीधा सीधा मुकाबला होने वाली है मारुति सुजुकी, विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू, किया मोटर्स की कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300, फोर्ड एकोस्पोर्ट, टोयोटा की अर्बन क्रूजर, रेनो की कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर, निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट, होंडा की WRB से होने वाली है। जहां तक इसकी डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट में आपको देखने को मिलेगा LED डेटा रनिंग लाइट, ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट, और उसके नीचे आपको LED फॉग लैम्प देखने को मिलेगा। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो यहां पे जीप का सिग्नेचर ग्रिल आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी अट्रैक्टिव रहने वाला है। वहीं आपको इसमें मिलने वाले हैं 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन, और इसमें स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है, और चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल में आपको मिलने वाले हैं 16 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील, और इसके सभी व्हील्स पे आपको मिलने वाले हैं डिस्क ब्रेक, और इसके ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट आपको मिलने वाले हैं। रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर के ही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसके रियर प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प यूनिट, सबसे ऊपर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, टेल गेट के बीचों बीच जीप की बैजिंग, और नीचे आपको ड्यूल टोन में रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ आपको मिलने वाले हैं। जहां तक इसके इंटीरियर की बात करें तो काफी प्रीमियम रहने वाला है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो ऑल ब्लैक इंटीरियर, और एसी विंड के पास में आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिलेगा। वहीं इसके सेंटर कंसोल में लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि सपोर्ट करने वाला है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, AUX एंड USB को, और इसमें दिए जा सकते हैं कनेक्टेड फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो 3-स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार फीचर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑल डिजिटल देखने को मिलेगा। वहीं रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी शानदार रहने वाली है, रियर एसी वेंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं सभी सीट्स पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड बीच में आर्मरेस्ट 2 का होल्डर के साथ, और बूट स्पेस आपको मिलने वाली है काफ़ी लार्ज बूट स्पेस। इसके रियर सीट 60-40 स्प्लिट होने वाले हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आप इसके बूट स्पेस को। जहां तक पावर ट्रेन की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाली है 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 190 bhp की पावर एंड 240 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है, और इसमें 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। आपको इसमें मिलने वाले हैं 6 एयरबैग, ABS विद EBD विद ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्टेंस, ट्रैक्शन कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रेन सेंसिंग, वाइपर, ऑटो डिमिंग, IRVM, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, एंकरेज, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। जहां तक इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च होने वाली है एंड ऑफ 2021 और अर्ली 2022, और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रहने वाली है 8 lakh to 12 lakh एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली।
ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट जीप की अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।